वक्त किसी का मोहताज नहीं होता साहब। अरे थोड़ा कम करो ना इसको। हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर फिटनेस व्लॉग। मैंने अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है, फैट लॉस की वर्कआउट पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे आ गई है मेरी पार्टनर सोनम मैडम, आज ये भी जिम में चलेंगी। हमने डिसाइड करा है कि स्ट्रिक्टली अपना फैट लॉस किया जाए, क्योंकि बीच में हमने थोड़ा छोड़ दिया था। अभी ऐसा लगता है कि इनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है, सो मैं भी इनके साथ वर्कआउट करने जा रही हूँ अभी जिम में। बट गाइज, फैट लॉस के साथ साथ जरूरी आप बॉडी पार्ट पे भी ध्यान दें। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, जिम जाने से पहले यहाँ पे मैं लेता हूँ ओट्स। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको मेजर करके खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लेंगे 40 ग्राम। यहाँ पे आप देख लो, मैंने सिर्फ 40 ग्राम क्वांटिटी ली है। और इसके साथ आपको क्या यूज करना है, अभी यूज कर रहा हूँ एज इट इज कंपनी का आइसोलेट प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोटीन क्वांटिटी ज्यादा मिल जाती है, तो इसलिए ये मुझे अच्छा लगता है। तो अभी इसको लेके जिम में चलेंगे फटाफट से। तो इसके अंदर आपको सिर्फ हाफ स्कूप यूज करना है, क्योंकि गाइस एज इट इज का जो प्रोटीन है आइसोलेट, ये एक रॉ प्रोटीन है और इसके अंदर 30 ग्राम की सर्विंग के अंदर 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। फैट लॉस करें तो आइसोलेट प्रोटीन ही यूज करें। तो गाइस, सोनम जिम जाते जाते अपना एक काम और कर लेती है, कूड़ा फेंकने वाला। अंडे की ट्रे हमारी इतनी सारी इकट्ठी हो रखी है ना, मैंने 2 दिन से खाना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइज, अगर आपने किसी फिटनेस फ्रीक को कूड़ा डालते हुए देखा नहीं है तो आज पहली बार देख लो। ये क्या स्टाइल है मैडम आपका, जाओ मैडम बुलेट लेकर आओ। लड़कियों को कम मत समझना, लड़कियां कुछ भी कर सकती है। तो गाइस, हमारा जिम है ना वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अब ये मत बोलना कि भाई हेलमेट वगैरह नहीं लगा रखा। क्या नाम है इसका? जो हमसे जले थोड़ा साइड से चले। तो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं जिम में और मेरा कुछ सामान रह गया था, तो मैं देखता हूँ कि सोनम, ओ माय गॉड, फिटनेस फ्रीक तो हमसे पहले ही वर्कआउट करने लग रहे हैं। यहाँ पे मैडम का वार्म अप चल रहा है, मतलब मेरे आने से पहले तूने वर्कआउट शुरू कर दिया। वक्त किसी का मोहताज नहीं होता साहब। रुक जा यार, दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे, रुक जा। सबसे पहले हम लगाएंगे चिनअप्स थोड़ा वार्म अप के लिए, 3 सेट। उसके बाद हम करेंगे अपने लैट्स को स्ट्रेच करने के लिए आइसोलेशन मूवमेंट। तरीके से आपको 10 रेपिटेशन निकाल लें। कभी भी आप वर्कआउट स्टार्ट करें उससे पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। जो सोनम को मैंने बताई है ये है परफेक्ट पोजीशन। तो गाइस, अब सोनम का लास्ट सेट है और मैं सोच रहा हूँ कि सोनम से बिल्कुल हैवी लगवाऊंगा, ठीक है? अरे थोड़ा कम करो ना इसको। एक रैप निकाल के दिखा दे। यार ये ज्यादा भारी है, मैं तो इसके लटक भी जाऊंगी ना तब भी नहीं उठेगा, कम करो इसको। गाइस, सेकंड बैक की एक्सरसाइज है सीटेड रोइंग, इसके भी 4 सेट लेने हैं। बेंट ओवर रोज, इस एक्सरसाइज को आप स्मिथ मशीन पे कर सकते हैं। मैं अभी बिगनर हूं तो मैं इतना हैवी नहीं कर पाऊंगी। जो हम पुलओवर मारते हैं अपनी बैक के लिए, एक्सरसाइज की फॉर्म काफी लोगों की गलत होती है, तो उन लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज बताने जाऊंगा। आपके लैट्स को स्ट्रेच करती है और आपकी बैक की लेंथ को इंक्रीज करती है। तो आप पुलओवर की जगह ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो मेरा हुआ खत्म बैक का वर्कआउट। अब मैं अपना करूंगी कार्डियो, बस मेरे से इतना ही हो पाएगा। अभी हमारा वर्कआउट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जब मैं जिम आता हूं उससे पहले हाफ स्कूप एज इट इज आइसोलेट प्रोटीन लेता हूँ, क्योंकि गाइज आपको एज इट इज आइसोलेट प्रोटीन के अंदर 30 ग्राम के अंदर 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इस वजह से मैंने इस प्रोटीन को बाय किया, क्योंकि काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी फैट लॉस कर रहा हूँ, तो फैट लॉस में मेरे को आइसोलेट प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके अंदर मुझे 0 carbs मिले, 0 sugar मिले और प्रोटीन कंटेंट हाई मिले। गाइज, वर्कआउट खत्म होने के बाद मैं इसका एक स्कूप लेता हूँ। तो गाइज, इस प्रोटीन की मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, अगर आप इसको 10 सेकंड भी शेक करेंगे तो 10 सेकंड के अंदर ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है।
गाइस वे प्रोटीन आइसोलेट अल्टीमेट लीन मसल प्रोटीन है क्योंकि मुझे अपनी लीन मसल बिल्ड करनी है और ये लीन मसल बिल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके जो मैंने आपको सर्विंग बता दी 1 स्कूप 30 ग्राम का जिसके अंदर आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, फैट जीरो, टोटल कार्बोहाइड्रेट ओनली 1 ग्राम और शुगर जीरो क्योंकि आपको फैट लॉस में शुगर बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुगर आपको जीरो है। तो गाइज ये जो प्रोटीन है अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है, मुझे टेस्ट से मतलब नहीं है, मुझे रिजल्ट से मतलब है और इस प्रोटीन का रिजल्ट काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। इसके अंदर नो एडिटिव एडिट्स, प्रोटीन के अंदर किसी भी तरीके का बैन सब्सटेंट और किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया गया है, ये बिल्कुल नेचुरल आपको प्रोवाइड करवा रहे। और गाइज ये जो प्रोटीन आपको दे रहे यूएसए मेड वे दे रहे, यानी कि एक क्लास आइसोलेट प्रोटीन आपको प्रोवाइड करवा रहे एज इट इज। दोस्तों इसके साथ साथ आपको एज इट इज के आइसोलेट प्रोटीन के अंदर सारे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड मिल जाएंगे, कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल है जो आपकी मसल बिल्डिंग और मसल ग्रो में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड लूसीन, आइसोलूसीन, वेलिन जो कि आपकी मसल ग्रो में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इस प्रोटीन के अंदर ऐड है सारी चीजें। तो गाइज ये प्रोटीन मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप ऐसा प्रोटीन देख रहे हैं जिसके अंदर आपको हाई प्रोटीन कंटेंट मिल जाए तो आप एज इट इज का आइसोलेट प्रोटीन जाके परचेज कर सकते हैं जिसकी एक सर्विंग के अंदर 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो गाइज इस प्रोटीन सप्लीमेंट का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।